हाँ भाई, वही तो कर रहा हूँ भाई। अगर तू ये मेरे को बोलता ना कि टाइगर श्रॉफ एक्टिंग करने लग गया तो ये मानने के लिए तैयार हूँ, पर विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को। तूने पक्का मेरी फोटो दिखाई थी ना? अबे हाँ यार, तेरी कॉलेज वाली फोटो थी ना, वो मन्नत के बाहर जिसमें तू विक्ट्री का साइन बना के खड़ा हुआ है ना, वही दिखाई है। अबे उस टाइम पे तो शाहरुख खान जितने बाल होते थे मेरे। अबे तुझे क्या लगता है कि लड़कियां बाल देख के इंप्रेस होती हैं? होती होंगी, पर पर्सनालिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं। तुझे कैप दिया था ना? हाँ पहनी है। बस कैप तो सिर से चिपका के रख, बाकी सब सही हो जाएगा, समझा? चल ऑल द बेस्ट, रख रहा हूं मैं, बाय बाय बाय। पागल है क्या तेरी मां की? रुकना। रोहन, हाय। हाय, काफी देर से वेट कर रहे हो? नहीं, बस जब आप आई ना उससे पहले उसी गेट से घुसा था मैं थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो ये नींबू पानी घर से लेके आए होंगे? काफी स्मार्ट। काफी हिमेश। सॉरी रेशम, या सिर्फ एक माइक की कमी है। एक्चुअली वो ना हेलमेट पहनने से बाल खराब हो जाते हैं, तो बाल सवारने का टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने कैप लगाई। कहाँ है हेलमेट? क्या हेलमेट लाए तो होंगे ना? हाँ वो ना मैंने बाइक पे लॉक लगाई हुई है तो उसी के साथ है, बांधी हुई है। कौन से बाइक चलाते हो? R15। माय गॉड, यू नो आई लव बाइक्स टू। पता है मेरे घर पे ना मेरे भाई से पहले मैंने टू व्हीलर सीख ली थी। उस टाइम धूम मूवी रिलीज हुई थी ना, आई लव दैट चेस सीन जहाँ पे जॉन अब्राहम अपना हेलमेट निकालता है और पीछे पुलिस वैन कूड़ा देता है, बैकग्राउंड में ब्लास्ट और फोरग्राउंड में जॉन अब्राहम अपनी लहराती हुई जुल्फों के साथ बाइक में। टू हॉट, पता नहीं उसने अपने बाल शॉर्ट क्यों करा लिए। सही तो है, पर काफी बड़ी फैन लगती हो तुम, धूम मचा ले तो फेवरेट सॉन्ग होगा आपका। नहीं नहीं, अभी तो रीसेंट फेवरेट रणवीर सिंह। हाँ अच्छा है, वो रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी बहुत अच्छी है जिसमें ना उनके बाल नहीं है। तुम्हें किस टाइप के मूवीज पसंद है? मुझे ना एकदम रियलिज्म वाली मूवी ज्यादा पसंद है, जो रियल साफ सुथरी हो। अच्छा, नेम फ्यू। अरे 1 नवंबर को आ तो रही है उजड़ा चमन। ओ यार, सनी सिंह वाला ना, आई सॉ द ट्रेलर, सो हिलेरियस, मैं जाऊंगी देखने। अच्छा, मेरे पास ना 2 टिकट्स हैं। हां अच्छा, किसके साथ जाने वाले? जस्ट किडिंग, कुछ ऑर्डर कर ले। हां करते ना, पालक पनीर, पिज्जा। हां मुझे सब चलता है। सब चलता है या कभी कोई चॉइस नहीं मिले? आई मीन इज इट लाइक तुम्हारे घर में करेला बना है तो करेला ही खाना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। जिंदगी में ना पहले बहुत चॉइसेस थी, अब जिंदगी ने ऐसा खेल खेला ना कि जो भी मिलेगा रख लूंगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मेरा कहने का मतलब था कि मैं बचपन से ही कुछ भी खा लेता हूँ। ऑलराइट, वेट अ वन पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज। हाँ चलेगा। तो तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? मॉम डैड के अलावा एक भाई, वन सेकंड मेरा शो है। अरे ये दोनों तो टकले। रोहन, आई थॉट यू आर मैच्योर, ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, वो भी मेरे मुंह पे। दीपिका, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? यही ना कि हाउ डिड ही गेट बॉल्ड इन सच अ यंग एज। यार तुम लोगों की सोसाइटल नॉर्म्स ना किसी को चैन से जीने नहीं देती है। हो गया यार बॉल्ड, मतलब इतना पोल्यूशन है, जेनेटिक्स वीक रह गया होगा, नहीं बचा पाया अपना बाल। तुम लोग भी ना अपने काम से मतलब नहीं रखते हो, हमेशा किसी और के। Hi guys. Hope you really like the video. Guys, मेरी फिल्म उजड़ा चमन 1 नवंबर को आ रही है, तो प्लीज जाइएगा आपके दोस्तों के साथ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके साथ, और आपने पहले भी बहुत प्यार दिया है, इस बार और बहुत ढेर सारा प्यार दे। And if you like this video, like, share and subscribe to RVCJ.